फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? क्या कह रहे हो, अभी तक नहीं किया? अरे भाई, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। काफ़ी मेहनत करती हूँ मैं आप सबके लिए और आगे और करना चाहती हूँ ताकि आपको इजी वीडियोस मिल सके। सो गाइस, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ये नहीं कि खुद अकेले अकेले देखनी है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है गाइस? तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ, जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने उसके 3 डिसीजन पढ़ लिए थे गाइस। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हैं तो हमें किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फिक्स्ड कैपिटल आज के इस वीडियो में समझाऊंगी कि फिक्स्ड कैपिटल जब एक बिजनेस में एम्प्लॉय की जाती है तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सो सबसे पहले फिक्स कैपिटल होती क्या है? फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है गाइस? जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एसेट लाइक मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये हमारी फिक्स कैपिटल होती है एंड ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रखी जाती है, ठीक है? अब जब आप बिजनेस में फिक्स कैपिटल कितनी रखोगे या नहीं रखोगे, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? लेट्स सपोज आप अपना बिजनेस खोल रहे हो तो आप कितनी फर्नीचर खरीदोगे, कितनी बिल्डिंग, कितनी फर्नीचर नहीं, कितना फर्नीचर, कितनी बिल्डिंग्स और क्या क्या चीज़ें आपको फिक्स कैपिटल यानी कि पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको कितना लगेगा, आपका पैसा कितना लगने वाला है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है नेचर एंड टाइप ऑफ द बिजनेस। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस खोल रहे हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपको मशीन्स चाहिए होंगी, आपको बनाने के लिए मशीन चाहिए और बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, तो आपको उसके लिए प्लेस भी चाहिए यानी कि बिल्डिंग भी चाहिए होगी, तो ऐसे बिजनेस को ज़्यादा फिक्स कैपिटल की नीड होती है, यानी कि उसे बिल्डिंग भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, उसे मशीन्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। लेकिन अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस है, आप सामान खरीदते हो और बेच देते हो, तो ना तो आपको मशीन की ज़रूरत है ना फर्नीचर की, सिर्फ आपको एक प्लेस की ज़रूरत होगी जो आप रेंट पे लेकर भी कर सकते हो, तो ऐसे केस में हमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। सो नेचर पर भी डिपेंड करता है, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है फिक्स कैपिटल की, वहीं अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमें कम कैपिटल की नीड होगी। सेकेंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, वहीं अगर हम स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं तो हमें कम कैपिटल चाहिए, यानी कि अगर हम छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस तो कम कैपिटल चाहिए। थर्ड, चॉइस ऑफ बिजनेस टेक्निक, यानी कि आप किस टेक्निक से अपने बिजनेस में काम करना चाहते हो। टेक्निक बोले तो देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी होती है हमारी मशीन नहीं दूसरी लेबर इंटेंसिव, ठीक है? सो वन इज़ कैपिटल एंड सेकेंड इज़ लेबर। कैपिटल में जिसमें मशीन्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है एंड लेबर में जिसमें हम लेबर ज़्यादा रखते हैं, लोग ज़्यादा रखते हैं, उनसे काम कराना प्रेफर करते हैं। आपने देखा होगा ना, कई फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखे जाते हैं ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सो आप किस पर काम करना चाहते हो? आप बड़ी मशीन से काम करवाना चाहते हो या लेबर से? सो अगर बड़ी मशीन से काम करवाना चाहते हो तो भाई ज़्यादा कैपिटल की नीड होने वाली है, और वहीं लेबर से तो कम कैपिटल की। फोर्थ है गाइस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में होता है कि अगर हमें लगता है हमारे बिजनेस की बिजनेस जिस चीज़ में भी हम कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, ऑब्सोलीट मतलब बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है और पुराना माल ख़राब हो जाता है, तो ऐसे केस में हमें क्या कहते हैं ज़्यादा फिक्स कैपिटल होता है। क्योंकि जैसे अगर आप देखो फ़ोन का कि भाई हर डे नए फ़ोन लॉन्च हो जाते हैं, सेम वे इन लैपटॉप में हम देखते हैं, कैमराज में देखते हैं, कार्स में देखते हैं, तो ऐसे केस में हमें फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें पता है नया सामान हमें अब दोबारा खरीदना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना है। और वहीं अगर फर्नीचर ले लो, अलमीराज ले लो, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आइटम जो लंबे समय तक रखा रहता है, तो उसमें हमें फिक्स कैपिटल की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। फिफ्थ आता है गाइस, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। अगर कंपनी आगे अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना चाहती है, और ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहती है, तो उसे फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि वो अपने बिजनेस को और ग्रो अप कर सके। वहीं अगर कंपनी कहती है कि नहीं नहीं अभी कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे जितना है उतने में कर लेती है। लेकिन वहीं अगर कंपनी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसे फिक्स कैपिटल ज़्यादा एम्प्लॉयड करनी पड़ती है ताकि वो अर्निंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज़ करे और बिजनेस को आगे बढ़ाए। उसके बाद आता है गाइस डाइवर्सिफिकेशन। अगर बिजनेस डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं हम लोग, और मतलब जैसे अभी तक एक लाइन का बिजनेस था, आप दूसरा भी खोलना चाहते हैं, तो इस केस में हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम सिंपल एक ही लाइन में काम करना चाहते हैं तो जितना है उतने में
कर लेते हैं। उसके बाद है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। अगर हमारे पास फाइनेंस के ऑल्टरनेटिव्स हैं, लाइक अगर हमें रेंट पर या लीज पर चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें बिल्डिंग खरीदने की क्या ज़रूरत है यार, 1 करोड़ की 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदेंगे जब हमें पता है कि हम रेंट पर ले सकते हैं। सो फाइनेंसिंग के क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं? अगर हैं तो हमें इतनी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। और जब हमें पता होता है कि यार नहीं रेंट पे मिल रहे, या कोई भी अगर हमें मशीन चाहिए रेंट पर नहीं मिल रही, तो हमें वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं गाइस लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर आपके पास कोलैबोरेशन मिल सकता है आपको, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल एटीएम का है। आपने देखा होगा कि हम किसी भी एटीएम, चाहे एक्सिस बैंक या एचडीएफसी है, वहाँ से अपना कोई सा भी डेबिट कार्ड के थ्रू हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। सो इट मीन्स वो लोग कोलैबोरेट करके चल रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, सो हमें कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है। और जब हमें नहीं मिलते तो हमें पता है हमें खुद की ब्रांच खोलनी है, तो ऐसे केस में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। सो गाइज, ये थे फिक्स कैपिटल के हमारे फैक्टर्स। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और अगर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।